साल 2018 में दिल्ली के बराड़ी इलाके में एक ही परिवार के 11 लोगों ने फंदे से लटककर जान दे दी थी। इस घटना से पूरा देश सन रह गया था। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक महीनों तक इस वारदात की चर्चा रही। जिस मकान में हादसा हुआ था वहां से लोगों ने पलायन शुरू कर दिया था। इस घटना के पीछे कई वजह निकलकर सामने आई, लेकिन कुछ भी 100% साफ नहीं हो सका। अब नेटफ्लिक्स ने इस घटना पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसका नाम रखा है हाउस ऑफ सीक्रेट्स। इस सीरीज में इस घटना का सच दिखाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन चलिए आज हम आपको क्राइम तक पर एक बार फिर से उस घर की हकीकत से रूबरू करवाएं। इस वक्त हम बुराड़ी के उसी घर में मौजूद हैं जहां पर 11 लोगों की जो है वो मौत हुई थी, और जाहिर तौर पर क्राइम ब्रांच इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब मैं आपको अंदर से घर दिखाना चाह रहा हूं। आज तक पहला चैनल है जो इस घटना के बाद यहां पर पहुंचा है। आप देखिए, ये वो घर था जहां पर ये पूरा वाकया हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस घर में अब दिनेश जी जो भाई हैं परिवार में जो सबसे बड़े थे, ललित जी थे, उनके ब्रदर हैं, वो यहाँ पर अब आ गए हैं और नॉर्मल बिल्कुल ज़िंदगी जी रहे हैं। यहाँ पर किसी तरह की उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लोगों ने तरह तरह की बातें बोली, लेकिन अब बिल्कुल इस चीज़ से वो एकदम यहाँ पर रह रहे हैं, नॉर्मल तरीके से रहे। उन्हीं से बात करते हैं दिनेश जी से। ये वो घर है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहले ही दिखाऊँगा, यहाँ पर ये पूरा जो है हादसा हुआ था जिसमें 11 लोग जो है वो उनकी मौत हो गई थी। ये वो जंगला देखिए आप, ये वही जंगला है। आज तक सबसे पहले यहाँ पहुंचा है और पूरे आपको स्थिति दिखा रहा है। आपको बता दें कि इस घर में फंदे पर लटके 11 शवों में से 7 महिलाएं थीं और 4 पुरुष थे। इनमें 78 साल की बुजुर्ग महिला के साथ 2 नाबालिग भी थे। जब पुलिस घर के अंदर घुसी तो 10 लोगों के शव ग्रिल से लटके हुए मिले और एक बुजुर्ग महिला का शव नीचे जमीन पर पड़ा मिला था। संत नगर के घर से मिले ज्यादातर शवों के गले में चुन्नी बंधी हुई थी। पुलिस ने जब इस मामले में जाँच की तो पाया कि ये मामला अंधविश्वास से जुड़ा हुआ है। परिवार के 9 लोगों के हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह के साथ साथ आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। इन सब चीजों से केस रहस्यमय बन गया। पुलिस ने उस घर से कुछ डायरी भी बरामद की थी